देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, मड में, स्लश में, रेत में, गारे में, मिट्टी में। और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल, हेल्दी एट देयर होम्स। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो होने वाली है कि इंडिया में एसयूवी गाड़ियों की इतनी पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ती जा रही है और एक एसयूवी कैसे एक बेटर पैकेज हम लोगों के लिए प्रोवाइड करती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आपने मेरे फादर के लिए कंसर्न दिखाया और बहुत सारे लोगों ने क्वेरीज की और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी पूछा, उसके लिए थैंक्स। और मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ दोस्तों, फाइनली मेरे फादर जो हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं एंड वी आर बैक एट होम एंड ही इज रिकवरिंग एंड सून ही विल बी रिकवर्ड कम्प्लीटली। वीकनेस वगैरह जाने में थोड़ा टाइम लगता है कोविड के आफ्टर इफेक्ट की वजह से, लेकिन ही विल रिकवर। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग द कंसर्न। और अब हम मूव करेंगे वीडियो की तरफ, जिसमें कि आज बात करेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाई डू वी नीड एन एसयूवी इन इंडिया, इनफैक्ट व्हाई एन एसयूवी इन इंडिया इज अ मस्ट, जिसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के समझाऊंगा जो मैंने बार बार एक्सपीरियंस किया है, लेकिन मैं बार बार जब भी उसको एक्सपीरियंस करता था तब मैं आपसे शेयर नहीं कर पाता था। देखो जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने अपनी जो गाड़ी थी, मेरी जो पहली गाड़ी थी वो एक हैचबैक कार थी और एक डीजल कार थी। अब एक आप एक हैचबैक डीजल से आप अगर एक एसयूवी पेट्रोल पे स्विच करते हो तो उसमें आपके मन में जब आप स्विच कर लेते हो तब आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि यार वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक थी, इसमें बहुत ज्यादा तेल लग रहा है, इसमें बहुत ज्यादा एवरेज मेरा माइलेज वगैरह कम आ रहा है। लेकिन जब मैं कभी उन सिचुएशंस को एनकाउंटर करता हूं जहां मेरी वो गाड़ी फेल हो जाती थी, जहां वो नहीं चल पाती थी, और वहां पे जब मैं अपनी ब्रीजा को कॉन्फिडेंटली चला पाता हूँ, ब्रीजा क्या नेक्सॉन ले लो, सोनेट ले लो, वेन्यू ले लो, एक्सयूवी 300 ले लो, फोर्ड एको स्पोर्ट ले लो, कोई भी गाड़ी इन सिचुएशंस को बड़े आसानी से मैन्यूवर कर पाएगी, तब मुझे ये रियलाइज होता है कि मेरा डिसीजन एकदम सही था फॉर इंडियन रोड्स। अगर आपकी जो ड्राइविंग कंडीशंस हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रास्ते हैं जिसमें कि आपकी जो हैचबैक गाड़ियां हैं जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती वो फंस सकती हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर एन एसयूवी। इसका सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से, मतलब मैं एक रास्ते पे जा रहा था और वहां पे किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को, किसी मेजर शायद चीफ मिनिस्टर को वहां से जाना था और वहां पे पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग की हुई थी एंड दे डिडंट अलाउड मी टू मूव फर्दर। तो वहां पे मैंने क्या किया कि मैंने लेफ्ट लेके कच्चे रास्ते से वहां से गाड़ी निकाली। कच्चा रास्ता आप देखो यहां पे इस टाइम कैसा रास्ता है, ये मतलब कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, आई एम श्योर अबाउट दैट। कैमरा अंदर क्योंकि काफी पीछे लगा होता है, बोनट के काफी पीछे है, तो वो इतने अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाता, लेकिन इतना खराब रास्ता है, ये कोई रास्ता ही नहीं है बेसिकली। यहाँ पे कोई सड़क नहीं थी, यहाँ पे कुछ नहीं था, और इनफैक्ट एक दो जगह जो मिट्टी थी वो काफी धसी हुई थी, लेकिन फिर भी पहले गियर में सिर्फ क्लच छोड़ के मैंने गाड़ी को चलाया, बड़े आराम से गाड़ी निकली, मुझे कहीं पे एक्सेलरेट नहीं करना पड़ा। अच्छा देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, मड में, स्लश में, रेत में, गारे में, मिट्टी में, और अगर कहीं पे बजरी वगैरह पड़ी हुई है उसमें हमेशा याद रखना ये बात, कभी गाड़ी में एक्सेलरेशन मत करना, गाड़ी अपने मोमेंटम में निकल जाएगी। अगर आप एक्सेलरेशन करोगे टायर स्पिन होगा, वहां पे गड्ढा हो जाएगा और गड्ढा नीचे धस जाएगा, उस केस में आप फंस जाओगे। जितना अगर देखो कहीं पे इस तरीके का गड्ढा है और आपका टायर उसमें फंस चुका है या फिर आपको वहां से निकालना है, डेफिनेटली आपको एक्सेलरेट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी एक मोमेंटम में चल रही है, अगर पानी वगैरह भरा हुआ है, वहीं पे मिट्टी गारा वगैरह है, कीचड़ वगैरह है, उसी स्पीड में उसको गाड़ी को चलने, तो 10 से 15 की स्पीड में गाड़ी अपने आप आपको निकाल के दे देगी आपके क्लच छोड़े हुए पे, ठीक है? तो ये देखो कितने आराम से गाड़ी को निकाला मैंने। अब हम बातें करेंगे उन चीजों के बारे में, उन बातों के बारे में जो कि आपके लिए एक एसयूवी गाड़ी को लेना मस्ट बना देती है इंडिया में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे, वो आता है रोड प्रेजेंस का। आप छोटी गाड़ी लेके निकलो, छोटी गाड़ी लेके जाने के बाद में मार्केट में जाओ और फिर उसके बाद में बड़ी गाड़ी लेके जाओ मार्केट में, आप कहोगे कि ये तो बड़ा इलॉजिकल सा पॉइंट है। भाई बात इलॉजिकल है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट है, असर पड़ता है वाकई में। अगर आप किसी बड़ी गाड़ी से जा रहे हो, आपकी रोड प्रेजेंस अलग ही होती है, ठीक है? आपको जगह मिलने में भी फर्क पड़ता है, आपको निकालने में गाड़ी में भी फर्क पड़ता है, ठीक है? ये मैं मानता हूँ कि आप कह सकते हो कि भाई ये वाली बात जो है वो इलॉजिकल है, इलॉजिकल तो है। देखो मामा, स्मॉल कार, हैचबैक भी गाड़ियां हैं और सेडान भी गाड़ी है और एसयूवी भी गाड़ी है, लेकिन एसयूवी की जो रोड प्रेजेंस है वो ना सेडान में है, ना हैचबैक में है, ना स्मॉल कार में है। तो रियली इट मेक्स एन इंपैक्ट, इट मेक्स अ डिफरेंस, व्हिच इज व्हाई द प्रेजेंस ऑफ एन एसयूवी कार इज अनमैचेबल एंड अनबीटेबल। ओके, तो हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है यहां पे वो आता है माइलेज। अब आप कहोगे कि भाई माइलेज तो एसयूवी गाड़ियों का कम होता है, मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं ना, मैं बात कर रहा हूं
हूँ कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट, जिसमें हमारे एको स्पोर्ट और सारे नाम वही आ जाते हैं आपके नेक्सॉन, एक्सयूवी 300, ब्रीजा, इन सब के बारे में, ठीक है। इसमें मैं WRV को काउंट नहीं करता क्योंकि WRV मेरे हिसाब से डायमेंशन में बहुत पीछे रह जाती है और उसका इंजन भी जो है वो 1200cc का इंजन है, तो मैं उसको काउंट नहीं करता। अब अगर आप देखो तो एसयूवी गाड़ी जो क्या कहते हैं मिड साइज सेगमेंट होता है, जैसे कि क्रेटा वाला सेगमेंट या सेल्टोस वाला सेगमेंट, तो वहां पे माइलेज जो है जो हम देखते हैं बहुत डिप हो जाता है। लेकिन जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है, जो ये वाला सेगमेंट है 10 लाख वाला, 9 लाख से 11-12 लाख वाला, इसमें क्या होता है कि माइलेज फिगर्स आप अचीव कर पाते हो अच्छी, यानी कि 14 प्लस माइलेज अचीव करना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने माइलेज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मेरी गाड़ी ने, जहां कंपनी क्लेम करती है 17.1 का माइलेज, मेरी गाड़ी ने 17.5 का माइलेज क्लेम किया, दिखाया मुझे MID में, और MID और वर्सेस एक्चुअल को भी मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर चुका हूं, वो भी बिल्कुल सही रहता है, वो भी आप वीडियो जो है इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हो। तो माइलेज के बारे में अगर बात करें, अगर आप एक हैचबैक गाड़ी लो, हैचबैक गाड़ी मान लिया i20 डीजल ले लो, तो या फिर i20 पेट्रोल ले लो, तो उसमें क्या होगा कि माइलेज आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 2-4 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस आएगा, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपको एक 14 प्लस का माइलेज एक क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी में मिल पा रहा है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको सारे फीचर्स भी मिल रहे हैं एसयूवी के, प्लस आपको सारी की सारी फंक्शनैलिटीज, आपको ग्राउंड क्लियरेंस, आपको रोड प्रेजेंस, आपको मैन्यूवर कैपेबिलिटीज, सब कुछ मिल रहा है और माइलेज भी मिल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने माइलेज वाला पॉइंट इसमें इंक्लूड किया। तीसरे नंबर का जो पॉइंट आता है हमारा, वो आती है हमारी मैन्यूवर कैपेबिलिटीज, पिकअप 4x4 कैपेबिलिटीज। देखो अगर आप एक बड़े साइज की एसयूवी लेने जाते हो, जैसे कि एसयूवी आती है आपके महिंद्रा की थार, अब अगर इसकी मैं बात करूं तो ये तो बिल्कुल ही अलग ही किस्म का व्हीकल है, 4x4 कैपेबिलिटी होती है इसकी, ठीक है। अगर 4x4 नहीं भी है, जैसे डस्टर अगर हम लेने जाएं, तो डस्टर के अंदर 4x4 वेरिएंट भी आता है, सिर्फ डीजल में आता था, लेकिन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। उनकी तो कैपेबिलिटी आप सोच के चलो कि मतलब कहीं पे गाड़ी अटकती नहीं है, चारों टायर्स में रोटेशन होता है, तो इस तरीके की कैपेबिलिटीज आपके पास में होती है एक एसयूवी में। मैन्यूवर कैपेबिलिटी से मतलब यहाँ पे ये है कि गाड़ी को जो निकालने की क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है, एक जगह पे फंसने के बाद वहां से जब गाड़ी निकलती है, तो वो आपकी एक एसयूवी के अंदर बहुत मतलब कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है, तो इस चीज में एसयूवी को पूरे पूरे मार्क्स जाते हैं। चौथा पॉइंट एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल नकार नहीं सकते, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होने वाला है। और इनफैक्ट जब मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये बताया था कि किन लोगों के लिए एक कॉम्पैक्ट एसयूवी ठीक नहीं है या फिर एक एसयूवी ठीक नहीं है, उनको हैचबैक गाड़ी लेनी चाहिए, तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने उस पर कमेंट किया था और वो मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने कहा कि भाई इस पॉइंट को जरूर इंक्लूड करना चाहिए अपनी वीडियो में। ये होता है इंग्रेस और एग्रेस, यानी कि जो आपका गाड़ी के अंदर आना और गाड़ी से जाना बाहर, बहुत कंफर्टेबल होता है एक एसयूवी गाड़ी में, क्योंकि उसमें ग्राउंड क्लियरेंस होती है, आप खड़े खड़े बैठ जाते हो, खड़े खड़े उतर जाते हो। जब मेरे पास हैचबैक गाड़ी थी तो उठने में बैठने में देखो थोड़ा सा जोर तो पड़ता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है इतना नीचे तक जाके बैठना, इतना नीचे से जाके उठना, लेकिन एक एसयूवी गाड़ी में बहुत आराम से आप अंदर आ सकते हो, बाहर जा सकते हो, बहुत कंफर्टेबल हो जाती है ये वाली चीज, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक एसयूवी गाड़ी को पूरे नंबर जाते हैं। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। अब हम बात करेंगे अपने पांचवें पॉइंट के बारे में। दोस्तों मान के चलो कि अगर मॉनसून आ गया, बारिश हो गई, भयंकर वाली बारिश हो गई और सारे में पानी भर गया, आप डरोगे एक सेडान गाड़ी को या फिर एक हैचबैक गाड़ी को वहां से ले आते हुए? 160 से ज्यादा, 65-70 से ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस तो किसी की होगी नहीं, चाहे कैसी भी हैचबैक हो, और यहाँ पे आपकी ग्राउंड क्लियरेंस शुरू होती है मिनिमम 180 से। 180 ग्राउंड क्लियरेंस आपकी WRV है, और उसके बाद में अगर आज की डेट में जो SUVs आ रही है, चाहे वो निसान की मैग्नाइट ले लो, चाहे वो फोर्ड की एको स्पोर्ट ले लो, 190 से कम किसी की नहीं है, तो 200 से ज्यादा ही ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगी। 200 ब्रीजा की है, 206 नेक्सॉन की है, लेकिन आप ये देखो कि आप इन गाड़ियों को बड़े आराम से किसी भी ऐसी ट्रेन पे, किसी भी ऐसी कंडीशन में बड़े प्यार से निकाल सकते हो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि गाड़ी फंस जाएगी, निकल नहीं पाएगी। ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होने से सबसे बड़ा जो फर्क पड़ता है वो ये पड़ता है कि जो आपका एग्जॉस्ट पाइप होता है उसकी पोजीशन इस तरीके से होती है कि आपकी गाड़ी के अंदर पानी जाएगा ही नहीं, गाड़ी के अंदर वाटर क्लॉगिंग होगी ही नहीं। इसलिए अगर कहीं पे वाटर लॉगिंग वगैरह है भी तो भी आपकी गाड़ी तक पानी नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब जिस वजह से पीपल प्रिफर टू हैव एन एसयूवी कार। ओके, देखो कितना भी कर लो, शहर के अंदर गाड़ी चलाते हो, कभी भी बाहर नहीं लेके जाते, या फिर बाहर जाते हो तो बहुत अच्छी अच्छी सड़कें हैं, लेकिन जब कंडीशंस फंसती हैं, जब सड़कें खराब होती हैं, तो यू नेवर नो। जैसे कि इस कंडीशन में मैंने गाड़ी को चला, इट वॉज नॉट प्लांड, इट हैपेंड, सो यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन एंड व्हाट माइट कम्स योर वे। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, और उसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो होता है आपकी एसयूवी गाड़ी, ठीक है। फाइनली फाइनल पॉइंट जो जिसके बारे में हम बात करेंगे, हमारा जो छठा पॉइंट है वो है हायर ड्राइविंग पोजीशन। जो ड्राइविंग पोजीशन है आपकी वो इतनी अच्छी होती है कि आपको डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो पाती है। जब आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी हो जाती है तो उसके बाद में आप बहुत आसानी से देख पाते हो, रोड प्रेजेंस आपकी पूरी अच्छे से जो है, अवेलेबिलिटी आपको पूरी रोड की होती है।
है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है कि आपका बहुत बड़ा एक वीविंग एरिया हो जाता है, जिस वजह से आपको बहुत अच्छे से समझ होती है सड़क की, आपकी ड्राइविंग इंप्रूव हो जाती है, आपकी ड्राइविंग कंडीशन इंप्रूव हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ये बहुत मैटर करता है, इसके बारे में लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक हैचबैक गाड़ी के कंपैरिजन में अगर, और एक या स्मॉल कार के कंपैरिजन में, एक सेडान के कंपैरिजन में, अगर आप एक एसयूवी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, तो आपकी जो ड्राइविंग एर्गोनॉमिक्स और जो ड्राइविंग कंडीशन है, इट्स मच बेटर एज कम्पेयर टू अदर कार्स, अदर फॉर्म फैक्टर कार्स। ठीक है, आई होप दोस्तों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, क्लियर लगे होंगे, क्रिस्टल लगे होंगे। इसी तरीके की वीडियोज के लिए, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑफ सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। ऑलवेज ऑलवेज स्टे एट होम, स्टे होम, स्टे सेफ एज आई ऑलवेज से, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। फिर मिलेंगे ऐसी किसी जानकारी वाली वीडियो के साथ में, तब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।